हाई एवरीवान वेलकम टू स्लीपी क्लास स्वागत है आप सबका आज के प्रीमिक्स में आज हम इन्वायरमेंट के पांच क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और द आइडिया ऑफ डिस्कसिंग दीज फाइव क्वेश्चंस इज टू गिव यू अ हेल्प इन द रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स ठीक है बेसिकली जो भी रिविजन uh, है उसमें आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे मोस्टली ये जो क्वेश्चंस है ये हमने स्टैटिक कंपोनेंट से लिए हैं एंड वो भी इकोसिस्टम वाला जो हमारा यूनिट है वहाँ से सो वंस यू आर डन विद दिस वीडियो आप अपना स्कोर कमेंट्स में लिख दीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन नॉट वेरी ईजी क्वेश्चन एक तरह से आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो टेस्ट होगी इन क्वेश्चन के ज़रिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है ये बेसिकली नीश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर है जिसको हम इकोलॉजिकल नीश के नाम से भी जानते हैं और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं और डायरेक्टली प्रलम्स में यू पी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ओके okay, सो so अब इकोलॉजिकल नीश को लेके हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं पहली स्टेटमेंट है इट रेफर्स टू द रोल प्लेड बाय बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द इको सिस्टम एकोलॉजिकल नीच इज़ यूनिक फॉर एवरी स्पीशीज़ ठीक है मतलब कि ये जो नीच है ये हर एक स्पीशीज़ के लिए यूनिक होता है पहली स्टेटमेंट है ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में ये उसको डिफाइन करती है ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपको ऑप्शन दी गई हैं वन ओनली टू ओनली बोथ या नन सो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड यू कैन एक्चुअली मार्क योर आंसर राइट सो द करेक्ट आंसर इज बोथ अब अगर आपने इकोलॉजिकल नीच का कॉन्सेप्ट समझा है तो आपको ना मैं एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ ये एक स्पीशीज़ uh, की पोजीशन को डिफ़ाइन करता है इन एन इकोसिस्टम ठीक है एक इकोसिस्टम में स्पीशीज़ की क्या पोजीशन है मतलब कि उस स्पीशीज़ को सरवाइव करने के लिए कौन से कंडीशंस चाहिए ठीक है अगर वो कंडीशंस हैं तभी वो परसिस्ट कर पाएगी और ये जो कंडीशंस हैं ये भी नीश का पार्ट है उस स्पीशीज़ का जो इकोलॉजिकल नीश है उसका पार्ट है ये कंडीशंस और दूसरी चीज़ वो स्पीशीज़ का क्या इकोलॉजिकल रोल है सो so बेसिकली एक तरह से आप इसको ऐसे ले सकते हो कि इकोलॉजिकल नीश इट सब्स्यूम्स ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीशीज़ ठीक है स्पीशीज़ की जो इंटरक्शंस हैं चाहे वो बायोटिक से हो, चाहे ए बायोटिक कॉम्पोनेंट से हो, उसको डिफाइन करता है इकोलॉजिकल नीश सो एक तरह से ये है कि इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट कर रही है स्पीशीज़ को और स्पीशीज़ का क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो इंटरेक्शंस होती हैं उसको हम इकोलॉजिकल नीश कहते हैं राइट सिंपल है स्पीशीज़ right? का क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट कैसे स्पीशीज़ को इफेक्ट कर रही है या एक स्पीशीज़ के इंटरेक्शंस बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के साथ कैसी हैं एक ईको में वो सब नीश का पार्ट है और ऑब्वियसली अगर हम इन चीज़ों को देखें तो जो नीश है वो यूनिक ही होगी एक ऑर्गेनिज्म के लिए हिंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है ना तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए अब देखो एक स्पेसिफ़िक इन्वायरमेंटल कंडीशन ही चाहिए होंगे राइट जैसे कि मैंने बताया कि जो नीश है वो बेसिकली स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बात करती है जो स्पीशीज़ को चाहिए राइट पहली चीज़ वो वो करती है और दूसरी चीज़ कि जो स्पीशीज़ है वो कैसे उस एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है है ना ये दोनों चीज़ें हैं जो मिलके नीच बनाती हैं अब इट डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड कॉम्पिटिटर्स इन एन इको एंड हाउ इट इन टर्न ऑल्टर्स दो सेम फैक्टर्स राइट सो अगेन अब अगर आप इसको ऐसे समझो कि एक ऑर्गेनिजम को कौन से कंडीशंस चाहिए उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए कितने कॉम्पिटिटर्स चाहिए है ना ये डिफाइन करेगा इकोलॉजिकल नीच को एंड एट द सेम टाइम वो स्पीशीज़ कैसे इन चीज़ों को ऑल्टर करती है वो भी उसका इकोलॉजिकल नीच है सो इट इज़ बोथ वेज अब नीच इज़ ऑब्वियसली यूनिक फॉर अ स्पीशीज़ ठीक है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल नीच ही होगा जो किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा हैबिटेट को बहुत सारी स्पीशीज़ शेयर करती हैं एक हैबिटेट बहुत सारी स्पीशीज़ में ओवरलैप होता है लेकिन एक इकोलॉजिकल नीच जो है वो हर एक स्पीशीज़ के लिए यूनिक होता है इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ही है जिसको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होंगे एक सेट ऑफ रिसोर्सेज एक सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स चाहिए होंगे है ना और एट द सेम टाइम वो एक पर्टिकुलर वे में ही अपने इन्वायरमेंट को जो है इफ़ेक्ट करेगी पॉजिटिवली भी हो सकता है नेगेटिवली भी हो सकता है तो इन दोनों का जो कल्बिनेशन है वो इकोलॉजिकल नीश है उसके बाद जो टाइप एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच एक्चुअली यू नो कॉम कम्पराइज द डायमेंशनस ऑफ एन इन्वायरमेंटल नीश ये एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज़ में वेरी करता है ठीक है सो दैट एक्चुअली वेरीज कि क्या उस ईकोलॉजिकल uh, नीच जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का है उसमें क्या डायमेंशनस हैं और क्या वेरिएबल्स हैं वो भी ऑब्वियसली वेरी करेंगे राइट सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच राइट देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज रिगार्डिंग कामलांग टाइगर रिजर्व पहली स्टेटमेंट है कि ये हिमाचल प्रदेश में है दूसरी स्टेटमेंट है टाइगर इज़ अ यूरी थर्मल एनिमल अब ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है वन ओनली टू ओनली बोथ एंड नाइदर अगेन अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ये जो यूरीथर्मल uh, स्टेनोथर्मल का कॉन्सेप्ट है ये हम इनिशियली पढ़ लेते हैं और जो कामलांग टाइगर रिज़र्व है इट इज़ वन ऑफ द फिफ्टी रिजर्व्स टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया एंड लाइक आई हैव ऑलवेज सेट कि ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ना ये आपको रटे होने चाहिए मतलब ये कौन सी स्टेट में है सो एंड सो टाइगर रिज़र्व वहाँ पे कैसी वेजिटेशन मिलती है कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर रिज़र्व्स हैं कौन सी स्टेट में नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कितने हैं ऑल ऑफ़ दैट यू नीड टू नो उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है टाइगर रिज़र्व के ऊपर अगर आपने यू uh, नो you know, एक दिन लगाया हुआ है सो यू कैन एक्चुअली यू नो टैकल एनी क्वेश्चन और प्लीज़ मान कर चलिए कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए एनी वेज यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा टू ओनली क्योंकि जो कामलांग टाइगर रिजर्व है वो हिमाचल में नहीं है वो अरुणाचल प्रदेश में है और टाइगर इज़ अ यूरीथर्मल एनिमल नो कामलांग द फिफ्टीत टाइगर रिज़र्व ठीक है जो लेटेस्ट टाइगर रिज़र्व है फिफ्टीत टाइगर रिज़र्व तो ऑल द मोर रीज़न के इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है इट इज़ रिच इन फ्लोरल इन फॉर्नल डाइवर्सिटी अब ये जो है ये अरुणाचल में है तो इसमें आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन मिलते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन मिलते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ना चार बिग कैट स्पीशीज़ मिलती हैं वी गेट टाइगर यू गेट लेपर्ट क्लाउडेड लेपर्ट एंड स्नो लेपर्ट राइट एंड इट इज़ सिचुएटेड इन लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर कामलॉग रिवर विच फ्लोज थ्रू इट उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स जो आपको इस टाइगर रिजर्व में मिलते हैं मीशमी दिगारो मिशमी एंड मीजो मिशमी उसके बाद यूरीथर्मल एनिमल्स होते हैं विच आर एबल टू टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर लेवल्स जैसे कि वो ज़्यादा गर्म टेम्परेचर्स में भी रह सकते हैं वो ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर्स में भी रह सकते हैं जैसे हम ह्यूमंस की बात करें हमें आप अगर गर्मी वाले एरिया में ले जाएं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वी विल स्टार्ट टू स्वेट आर बॉडी विल एक्लिपमेटाइज है ना सिमिलरली ठंडी चीज़ों पे ले जाएं तो हमारे जो मस जो आपने देखा होगा रोंगट खड़े हो जाते हैं रेक्टर पर लाए तो हर एक जो यूरी थर्मल एनिमल है उसमें कुछ ना कुछ मैकेज़म्स हैं जिसकी वजह से वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर लेवल्स को टॉलरेट कर सकता है ठीक है इसके जो कॉन्ट्रास्ट स्टिंग होते हैं ना वो होते हैं स्टेनोथर्मल स्टेनोथर्मल का मतलब होता है कि वो ज़्यादा वाइड रेंज नहीं टॉलरेट कर पाते और इसमें ना मोस्टली आपके क्रस्टेशियन सालमन ये वाले छोटे वाले जो एनिमल्स हैं ना इन्वर्टिब्रेट्स टाइप वो आते हैं ठीक है अगर हम यूरीथर्मल की बात करें तो कैट डॉग मैन टाइगर एक्सेट्रा जो बड़े वर्टिब्रेट्स वगैरह हैं स्पेशली जो मैमल्स हैं वो यूरीथर्मल में आते हैं उसके बाद एक और आपने वर्ड सुना होगा यूरी हिलाइन ठीक है so, सो यूरी का मतलब होता है कि वाइड रेंज हेलाइन देखो सैलिनिटी तो जो ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं वो यूरी हिलाइन है जो कम रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं वो स्टेनो है ठीक है तो इस तरह से अगर आपको वर्ड्स का मतलब पता है ना तो आप ईजिली गेस कर सकते हो क्या इनका मतलब क्या होगा अब इसके एग्जाम्पल एक बार जरूर देख लें राइट सो दिस इज द कामलांग टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश ओके देन द द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज ऑफ फॉलोइंग एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द रेयर प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एनिमल्स इन द पोलर रीजन राइट अब अगर मैं इसकी ऑप्शंस आपको बताऊं थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल एनिमल्स इन पोलर रीजन Their body has small surface area compared to their volumes, which makes them lose heat slowly. Then presence of predators make their presence vulnerable. Harsh climatic conditions render them difficulty to adapt. राइट right? अब ये जो टॉपिक है ना ये हमने एन में पहले ही कवर किया है मतलब एन अगर आपने पढ़ी है और अगर आपने लेक्चर्स नहीं भी देखे देन आल्सो यू वुड बी नोइंग दिस सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि एन ज़रूर पढ़िए जो प्लस टू की एन है उसके जो लास्ट के चार चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के जस्ट गो थ्रू देम वंस एटलीस्ट राइट सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है पहला अब देखो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना जैसे कि स्मॉल uh, एनिमल्स का मेजरली क्या होता है कि दे हैव लार्ज सरफेस एरिया कंपेयड टू देयर वॉल्यूम राइट तो यही मेन uh, जो फंडा है कि उनका जो सरफेस एरिया होता है ना वो ज़्यादा होता है लार्ज कम्पेयर टू वॉल्यूम ठीक है सो बेसिकली क्या होता है कि इट दे लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में ऐसा माना जाता है कि वी नीड रिड्यूस्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो कि लार्ज एनिमल्स की होती है जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स ऐसा कहा जाता है कि दे अटेन ग्रेटर बॉर्डर बॉडी साइज इन कोल्ड रिजन्स एंड इन वार्म रिजन्स ठीक है इसको ना एक और रूल भी होता है बर्गमेंस रूल ये भी एन में दिया हुआ है ये यही कहता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना अगर वो ठंडी जगहों में होते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं ठीक है ताकि उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाए और अगर वही गर्म जगहों में वो छोटे हो जाएंगे ठीक है सो बेसिकली इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि थर्मो रेगुलेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल एनिमल्स इन पोलर रीजन द सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑब्वियसली नॉट करेक्ट बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया ठीक है जिस वजह से उनकी जो बॉडी हीट है वो बहुत तेजी से लूज होती है तो ये गलत है प्रिडेटर्स वाला फंडा uh, है ही नहीं क्योंकि अगर वहाँ पे प्रिडेटर्स हैं तो उनका प्रे तो होना ही चाहिए ना तभी तो प्रिडेटर्स सर्वाइव uh, करें अदरवाइज तो प्रिडेटर्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे तो ये भी लॉजिकली इन करेक्ट है और हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हैं जिसकी वजह से दे आर डिफिकल्ट टू दे हैव दैट डिफिकल्टी इन अडाप्टेशन बट डेफिनेटली द फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ बेटर रीजन राइट तो so, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एन में बहुत अच्छे से मिल जाएगा उस से ज़रूर पढ़ लीजिएगा अब लाइक आई जैट थर्मोरेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की अबिलिटी की कैसे वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है सर्टेन बाउंड्रीज के बीच में इवन वेन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ वेरी डिफरेंट ठीक है अब ये थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस होती जा रही है अब देखो थर्मो कॉन्फॉर्मिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो क्या करते हैं वो बाहर का ही टेम्परेचर अडॉप्ट अडौ, कर लेते हैं जैसे अगर बाहर ठंड है तो वो ठंडे हो जाएंगे सो दो दे डोंट नीड थर्मो रेगुलेशन वेराज जो थर्मो रेगुलेशन है उसका क्या मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेनटेन करके रखोगे है ना चाहे बाहर जैसा भी है जो कि हमारे केस में होता है ह्यूम्स के केस में जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं अब देखो ये जो इंटरनल थर्मो रेगुलेशन है इसको हम होम्योस्लासिस के नाम से भी जानते हैं ये क्या होता है अ स्टेट ऑफ डायनेमिक स्टेबिलिटी ठीक है कि आइडिया क्या है कि आपकी बॉडी में वो एक रेंज के बीच में रहेगी वो स्टेबल रहेगी ठीक है लेकिन क्योंकि एक रेंज है तो इसलिए हम इसे डायनेमिक स्टेबिलिटी uh, का नाम देते हैं सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ डायनेमिक स्टेबिलिटी इन एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल कंडीशंस ठीक है सो दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट अब देखो थर्मोल और रेगुलेशन आ, है जो वो डिफ़िकल्ट है स्मॉल एनिमल्स में उसका रीज़न यही है कि उनका उनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम और जो ठंडी जगहें हैं वहाँ पे वी नीड रिड्यूस्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सो द आइडिया इज़ बिकॉज दे हैव लार्जर सर्फेस एरिया जो छोटे एनिमल्स होते हैं सो दे लूज देयर बॉडी हीट वेरी फास्ट ठीक है सो इट बिकम्स वेरी टैक्सिंग फॉर देम इवन इफ दे हैव टू सर्वाइव राइट

ठीक है ये है टाले वाले हमारे पास ओके देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ये है यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया के ऊपर है ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी है राइट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क काजीरंगा रंगा मानस ऑप्शन है वन टू एंड थ्री ओनली वन टू एंड फोर ओनली टू थ्री एंड फोर या ऑल ऑफ दी अबव इसको भी आप पॉज कर सकते हैं बेसिकली इंडिया में जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की वो सात हैं तो क्या उनमें से इनमें जो ऑप्शन है वही है कि नहीं ये आप पॉज करके सोच सकते हैं एंड देन यू कैन मार्क योर आंसर सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव नाउ इफ यू टॉक अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 38 एट है जिसमें से 30 कल्चरल है सात नेचुरल है और एक मिक्सड है जो कंजन जोंगा है सिक्किम में मिक्स का मतलब होता है कल्चरल भी और नेचुरल भी राइट right? लेकिन अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो ये सात है काजीरंगा, असम में और असम में ही मानस ठीक है उसके बाद अगर हम इधर आए थोड़ा सा सो वेस्ट बंगाल में भी है सुंदरमन उसके बाद केवला दियो इन राजस्थान एंड उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ लास, देन वेस्टर्न घाट्स एंड देन यू हैव ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क अब देखो ये जो है ना ये मोस्टली बच्चे बताए कन्फ्यूज़ uh, करते हैं बायोस्वेर रिजर्व्स के साथ ठीक है जो मैप वाले हैं उनको एक बार देख लेना जो ओवरलैपिंग है वो याद कर लेना जो ओवरलैपिंग नहीं है वो तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बाद ये सबसे सही तरीका याद करने का है इंडिया का मैप लो ठीक है और उस पर प्लॉट करो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होनी चाहिए बट जैसे असम में है तो पता होना चाहिए दो असम में है ठीक है उसके बाद हमारे पास आ... वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंश उसके बाद जब हम टू वेस्ट uh, आते हैं सो वी हैव राजस्थान में केवला देव उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एंड देन वी हैव वेस्टर्न घाट्स लेटेस्ट जो था वो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क था और उसके बाद कंचन जोंगा भी है जो मिक्सड है ठीक है so सो ये हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनके बारे में प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है बट दी आइडियाइज़ इसके आपको आना चाहिए क्योंकि ऐसे जब सिंपल सेटर्स मिस हो जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है सो दीज वर द फाइव क्वेश्चन आप प्लीज़ जो भी आपका स्कोर है उसे कॉमेंट्स में लिख दीजिए अगर आपको कोई डाउट है कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आप कॉमेंट्स में लिख दीजिए विल ट्राई टू रिजोल्व इट राइट थैंक यू